ये भैया के गीत का उत्तर अपनी तरफ से मैं देख रहा हूँ कि आज रात भर भगवान राम के और कन्हैया जी के ही गीत हुए हैं, भगवान शंकर और माता जी के कोई गीत नहीं हुए हैं। तो एक गीत मैं दे रहा हूँ जिसमें माता जी और पिताजी दोनों का जिक्र आएगा। देखिए, चूंकि हम ये बताया गया भगवान शंकर का यहाँ मंदिर भी है, तो सोचता हूँ कि एक गीत भगवान शंकर के भी नाम से हो जाए और माता जी तो साथ में उनके रहती है, तो एक गीत देखिए आप। सज है एक गजल आप लोगों ने सुनी होगी जिसमें कहा गया कि बे इरादा नजर में मुझसे दिल वो मेरा मांग पे तेरा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे तो कैसे समझेगा है, कैसे कैसे संभलेगा तुमसे मेरा दिल, हाय कैसे संभलेगा तुमसे, हाँ अरे कैसे संभलेगा तुमसे मेरा दिल, अरे हाय नादान ये क्या बात है। आयोजन किया, उसमें यक्ष किन्नर देव गंधर्व यक्ष सभी को आमंत्रित किया, तमाम ऋषि मुनि आए लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित किया। माता सती ने कहा स्वामी पिताजी यज्ञ कर रहे हैं वहां चलेंगे नहीं आप? भोलेनाथ ने कहा कि जब निमंत्रण नहीं आया है तो कैसे चले? तो क्या? तो माता सती ने कहा पिता के यहाँ अगर पुत्री बिना निमंत्रण के भी चली जाए तो कोई अपमान नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भोलेनाथ ने कहा ऐसा नहीं है देवी, पुत्री अगर अपनी ससुराल में है और तब पिता के यहाँ से अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है अगर निमंत्रण ना नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती जी नहीं मानी और वहां चली गई। ये भैया श्री समर जी नागवादक बुंदेलखंड और उन्होंने ये 21 रुपए दिए हैं, क्या बात है बेटे, और बड़े अच्छे नागवादक हैं। अब मैं आपसे क्या पुरस्कार दे सकता हूँ? भैया ने कहा है दादाजी इस तर्ज को ये तर्ज गाने के लिए दिया है, तो अमर जी जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको और मैं ये ब्याज सहित आपको वापस करने का प्रयास करूंगा, आप परेशान।
चली गई, वहां भगवान शिव का अपमान देखा तो यज्ञ कुंड में कूद गई। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, भगवान भोलेनाथ वहां पहुंचे तो माता सती के प्रति इतना मोह था कि उन्होंने उनका जला हुआ शव लेकर के दर दर भटकने लगे। अब देवताओं को चिंता हो गई तो भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से माता सती के अंग काटने शुरू कर दिए, तो 51 टुकड़े कर दिए उनके शरीर से चक्र से। तो जहां जहां ये माता के शरीर के खंड गिरे, टुकड़े गिरे, वहां वहां एक शक्तिपीठ बन गया। तो विष्णु का मर गई, लेकिन सच्चाई ये है कि माता मर के भी मरती नहीं है, मर के भी रूप पाए क्या। जहां कट कट गिरे रंग मांगे, जहां कट कट गिरे रंग मांगे, माता भगवती कम है। अगर भोलेनाथ ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा तो माता भगवती ने भी बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया है। कैसे? Yeah.
नौ रूपों की नौ रात्रि कही जाती है। क्या कहे लेकिन भगवान भोलेनाथ की
से लिंग चट कर लिंग चट के बना दे खुदा है लिंग अरे क्या लिंग नहीं है